इस हेयर मास्क के लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो चाहिए वो सबसे पहले एलोवेरा का जेल है। एलोवेरा जेल आप बाज़ार का भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास प्लांट में ये लगा हुआ था तो मैंने इसके दो लीव्स काट लिए हैं और इनको अच्छी तरह से वॉश कर लें और फिर उसके बाद इसको पील करके हम इसका गूदा निकाल लेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। अच्छा जी, ये हमने दो लीव्स एलोवेरा के लिए थे और इसका ये गूदा हमने निकाल लिया है। ये एलोवेरा जेल हमारे पास आ गया है और इसमें कुछ पत्ते भी हैं, बट इट्स ओके क्योंकि हमने इसको आखिर में ब्लेंड करना है तो मसला नहीं होगा। अब एलोवेरा जेल जो तकरीबन हमारे पास आधी प्याली है, अगर आप रेडीमेड बाज़ार का एलोवेरा जेल इस्तेमाल करते हैं तो तकरीबन 10, 12 से 15 चम्मच उसको ले लीजिएगा। ये अपने बालों की लेंथ और वॉल्यूम के हिसाब से आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो ये तकरीबन मेरे पास आधी प्याली एलोवेरा जेल हो गया है। और दूसरा अहम इंग्रेडिएंट जो हम इसमें यूज़ करेंगे वो है मेथी दाना, और मेथी दाना बालों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। गिरते बालों को रोकता है, बालों से खुश्की को ख़त्म करता है, नए बाल ग्रो करने में मदद करता है। तो एलोवेरा के साथ अगर आप मेथी दाने को मिलाकर लगाएंगे तो इसके अनलिमिटेड फ़ायदे हैं जो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। तो एलोवेरा के इस जेल में हम तकरीबन, ये मेरे पास इतना मेथी दाना है जो 6 से 7 टेबल स्पून आप कह सकते हैं वो आप इसमें शामिल कर देंगे। और अब जनाब करना ये है कि इस जेल को और मेथी दाने को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको ओवरनाइट छोड़ना है। यानी अगर आपने संडे को ये लगाना है तो आप सैटरडे को इसको करके रख दें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें कि ये जितने भी मेथी दाने के बीज हैं ये सोख हो जाएं इसके अंदर एक तरह से। तो ये देखें कुछ इस तरह से। अब इसको आपने छोड़ना है तकरीबन 24 घंटे के लिए। लाइक अगर आप एक दिन पहले इसको करके रख दें तो ओवरनाइट इसको लाजमी छोड़ना है। तो अब एलोवेरा जेल और ये मेथी दाना है हमने अच्छी तरह से इसमें डिप कर दिया है और हम इसको ओवरनाइट छोड़ेंगे और उसके बाद फिर मैं कल आपको बताऊंगी कि इसके साथ क्या करना है और इसमें मज़ीद क्या ऐड करना है। ये देखिए, हमने ओवरनाइट तकरीबन 22 to 24 आवर्स एलोवेरा के जेल में मेथी दानों को भिगोया था और अब नेक्स्ट डे इनकी ये शक्ल हो गई है। ये काफ़ी फूल गए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं और जेल ऑलमोस्ट सोक कर लिया है इन दानों ने। अब इसको हम ब्लेंड करेंगे और अगर इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी आपको कम लगती है तो इसमें आप मज़ीद एलोवेरा का जेल या थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम ब्लेंड करके देखते हैं और आई होप कि इसमें हमें मज़ीद कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको मैंने इसमें मज़ीद जेल या पानी नहीं डाला है और इसको एज इट इज़ में ब्लेंड कर रही हूँ, देखते हैं। ये हमने ब्लेंड कर लिया है मिक्सचर और ये कुछ इस तरह से इस कंसिस्टेंसी में हमारे पास है। इट्स बिट थिक और ये बिल्कुल स्मूथ भी नहीं होगा लेकिन ये लगाने में इजी रहेगा क्योंकि ये काफ़ी स्टिकी हो जाता है। मेथी दाने को अगर हम इस तरह से ओवरनाइट एलोवेरा में छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसको इस मिक्सचर में ब्लेंड करेंगे तो ये काफ़ी स्टिकी हो जाता है, तो ये लगाने में मसला नहीं होगा। आप चाहें तो इसमें मज़ीद थोड़ा सा एलोवेरा जेल शामिल करके इसको थोड़ा और कम कर सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, लेकिन मुझे ये ठीक लगता है क्योंकि हमने इसको जड़ों में लगाना है बालों में तो ये इसी कंसिस्टेंसी में भी लग जाता है और ये स्टे करता है क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी स्टिकी होता है। अब लास्ट चीज़ जो हम इसमें मिलाएंगे वो है तकरीबन 1 चम्मच सरसों का तेल। आप चाहें तो कोई
अपनी मर्जी से जैतून का तेल या फिर कोकोनट ऑयल या कोई भी एसेंशियल ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, बट अभी मैं इसमें सरसों का तेल मिला रही हूँ। और बस ये हमारा अच्छा सा हेयर मास्क रेडी है। इसको आप बालों में, जड़ों में लगाएं और इसको तकरीबन 1.5-2 घंटे के लिए छोड़ें और फिर नॉर्मल शैम्पू एंड कंडीशनर करें। एंड आपको 3 से 4 एप्लीकेशंस में ही बालों में बहुत फ़र्क नज़र आएगा। आपका हेयर फॉल रुकेगा, आपकी डैंड्रफ ख़त्म होगी, हेयर ग्रोथ अच्छी होती है, हेयर वॉल्यूम के लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। सो यूज़ इट एंड लेट मी नो कि ये आपके लिए कैसा रहा।